हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पंतर वर्सेस सार्क 11 के बीच में होने वाले मैच के बारे में। तो दोस्तों, ये जो मैच है अभी भी स्टार्ट होने में 2.5 घंटा बचे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन सा बॉलर को लेने से अच्छा होगा दोस्तों, और यहाँ पर कितने विकेट्स हैं। ऑलराउंडर पर दोस्तों यहाँ पर रन्स बनाने के साथ साथ यहाँ पर विकेट्स कौन ले रहे हैं, और बैटिंग में दोस्तों यहाँ पर रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है, उनका स्कोर क्या है इस सीज़न में, ये भी बताऊँगा। उसके बाद विकेट कीपर पर यहाँ पर कौन सा प्लेयर विकेट कीपिंग पे सेट होगा, यहाँ पर तो 4 विकेट कीपर है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, अगर बाय मिस्टेक लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पर आपको जाना दोस्तों @shatrughn225 जाके सर्च कीजिएगा। सर्च करते दोस्तों आपको मेरे चैनल हो जाएगा, 1080 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, और शत्रुघ्न चौबे भी जाके सर्च करेंगे दोस्तों तो मेरे चैनल हो जाएगा। तो जल्दी से जाके फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल टीम सब कुछ यहीं पर अपडेट मिलेंगे दोस्तों यहां पर। और शत्रुघ्न चौबे नाम पे जब सर्च करोगे दोस्तों तो कुछ फेक चैनल आपको नजर आएंगे, उससे आप दूर रहिएगा दोस्तों। उससे आप कितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहां अगर आपको कैसे पहचानना है तो दोस्तों मेरे चैनल पर आपको यूट्यूब लिंक सब कुछ मिलेंगे, लेकिन फेक चैनल्स पर आपको यूट्यूब लिंक नहीं मिलेंगे, ओनली डायरेक्ट टीम मिलेंगे, वो भी फेक टीम होगा दोस्तों, फेक आईडी होगा, फेक विनिंग स्क्रीनशॉट होगा, सब कुछ फेक होगा। उससे आप बच के रहना दोस्तों, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन इसी प्रकार आपको फाइनल टीम भी मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 में से 1 प्लेयर की यहाँ पर प्रेडिक्शन भी दिया जाएगा दोस्तों, उसके साथ साथ यूट्यूब की लिंक सब कुछ यहाँ पर अपडेट्स आपको मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा दोस्तों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो चलिए दोस्तों, आप लेट नहीं करते, इन्फॉर्मेशन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो मैच है दोस्तों पंतर्स वर्सेस सार्क 11 के बीच में यहाँ पर देखा जाए तो 11th T20 मैच है, और ये मैच 9:30 बजे सवेरे खेला जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर वेन्यू की बात करें सीएम कॉलेज ग्राउंड पुदुचेरी में खेला जाएंगे, और एवरेज स्कोर की बात करें 150-160 रन तक बन सकता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपको मैंने डेट गलत बताया, आज डेट है जुलाई 19 तारीख, आज है 19 तारीख है दोस्तों, लेकिन मैं 18 में बाई मिस्टेक टाइप करेक्शन नहीं कर पाया, इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पॉइंट्स टेबल पर जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पॉइंट्स टेबल में देखा जाए तो दोस्तों पंतर्स ने अभी तक इस सीज़न में 2 मैच खेले हैं, दोनों मैच जीत गए दोस्तों सेकंड पोजीशन पे, और सार्क की बात करें 3 में से 2 मैच जीते हैं, 1 मैच हारे थर्ड पोजीशन पे। तो दोस्तों ये जो मैच होने वाला सेकंड पोजीशन वर्सेस थर्ड पोजीशन के बीच में होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मैं डिटेल से सारे प्लेयर्स की स्टैट्स दूंगा, पंतर्स 11 की प्लेइंग 11 में विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर्स, और यहाँ पर बेंच प्लेयर कौन होंगे पंतर्स टीम के। उसी प्रकार आपको सार्क 11 के विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर और इसके साथ साथ बेंच प्लेयर, तो यहाँ सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों पंतर्स 11 की प्लेइंग 11 क्या रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर 2 विकेटकीपर है दोस्तों एस यादव, यहाँ पर लास्ट 2 मैच में 49-59 रन बनाए, और 1 मैच में प्लेइंग 11 में थे लेकिन मौका नहीं मिला दोस्तों। जॉर्ज सैमुअल यहाँ पर 2 मैच में 23 रन बनाए। तो दोस्तों यहाँ पर एस यादव को आप यहाँ पर विकेट कीपिंग पर कन्फर्म कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैट्समैन आते हैं अमीर जीशान की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 59 रन बनाए 1 मैच में, लास्ट मैच तो नहीं खेले, 1 मैच में प्लेइंग 11 में थे लेकिन मौका नहीं मिला, लेकिन अगर ये खेलते हैं तो आप इनको आंख बंद करके कंफर्म कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं इकलास नाहा, अगर इनकी बात करें लास्ट मैच नहीं खेले दोस्तों, 4 ओवर में 1 विकेट लें, और आदित्य रेड्डी 2 ओवर में कोई विकेट नहीं, 33 रन बनाए, 1 ओवर में कोई विकेट नहीं, 7 रन बनाए। तो दोस्तों यहाँ पर इकलास नाहा को और अमीर जीशान अगर खेलते हैं तो इन दोनों को आप कन्फर्म कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर ऑलराउंडर्स की बात करें गुरविंदर सिंह है दोस्तों, लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं लिया, 4 ओवर गेंदबाजी की, उसके बाद कोई विकेट नहीं मिला। मणिकंदन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 23 रन और 28 रन बनाए, और यहाँ पर आशीष संगना काल की बात करें 4 ओवर में 2 विकेट 4 रन बनाए, और 1 मैच में 0 पे भी आउट हुए दोस्तों, यहाँ पर गेंदबाजी नहीं किए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रेडिक्शन थोड़ा डिफरेंट ऑलराउंडर्स देना है। तो दोस्तों मणिकंदन अगर लेना तो बैट्समैन समझ के लिए, आशीष संगना काल की बात करें यहाँ पर आप इनको भी चाहे तो ले सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी में किसको पिक करना चाहिए, गेंदबाजी में दोस्तों आते हैं यहाँ पर अविन मैथ्यू, अगर इनकी बात करें नॉट प्ले, 3.3 ओवर में 3 विकेट लें, कार्तिक भी ने 4 ओवर में 2 विकेट 4 ओवर में 2 विकेट है दोस्तों यहाँ पर, अरविंद राजन एक ही बात करें 4 ओवर में 3 विकेट 2 ओवर में 1 विकेट 4 रन बनाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कार्तिक बीन है और यहाँ पर अरविंद राजन, इन दोनों को आप कंफर्म कर दीजिए, ये दोनों आपके लिए बेस्ट प्लेयर रहने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बेंच प्लेयर पे कौन है, तरुण जी है दोस्तों, यहाँ पर
तो यहाँ पर जो भी बेंच प्लेयर्स है दोस्तों, यहाँ पर लिस्ट पूरे देख सकते हैं यहाँ पर बेंच प्लेयर। तो दोस्तों सारे बेंच प्लेयर्स अगर इसमें एक भी प्लेइंग इलेवन में रहते तो आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे सार्क इलेवन की। सार्क इलेवन की बात करें विकेट कीपिंग पर दोस्तों, यहाँ पर आपको नजर आएंगे अरविंद राज। अगर इनकी बात करें 20 रन 11 रन और 22 रन बनाए तो आप चाहे तो ले सकते हैं दोस्तों इस टीम से। उसके बाद यहाँ पर बैट्समैन पर दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एस गोविंद राजन है दोस्तों यहाँ पर। अगर इनकी बात करें लास्ट मैच में 36 रन, एक मैच में 61 रन भी बनाए और एक मैच में 44 रन है, तो आंख बंद करके कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद प्रेम राज है दोस्तों, 7 रन 10 रन 28 रन बनाए। मोहित मिटान 31 रन बनाए दोस्तों यहाँ पर, एक ओवर में एक विकेट लिए और यहाँ पर 2 रन बनाए और यहाँ पर 51 रन भी इनके पास है। लोकेश पी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 2 मैच में यहाँ पर 0 रन 1 रन 1 रन लिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर अगर बैटिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको 2-3 प्लेयर में दे ही सकता हूँ दोस्तों यहाँ पर। एस गोविंद राजन है दोस्तों यहाँ पर, उसका बाद मोहित मिटान को आप कंफर्म कीजिएगा, दोनों प्लेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑलराउंडर्स की बात करें दोस्तों यहाँ पर जी चिरंजीवी आते हैं। अगर इनकी बात करें 4 ओवर में 1 विकेट 38 रन बनाए, 11 रन है दोस्तों, 4 ओवर में 1 विकेट 2 रन है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर एक अच्छे ऑलराउंडर है जी चिरंजीवी, आप लीजिएगा टीम में। अक्षय जैन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 3 मैच खेले, 4 ओवर में 1 विकेट 4 ओवर में 2 विकेट, 2 ओवर में कोई विकेट नहीं। तो ये पहला मैच में 2 ओवर गेंदबाजी की, उसके बाद 2 मैचेस में 4 ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं। विशाल खोटार की बात करें 4 ओवर में 1 विकेट है दोस्तों यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो 2.3 ओवर में 2 विकेट है, 4 ओवर में 2 विकेट 26 रन बनाए। तो दोस्तों ऑलराउंडर्स की बात करें यहाँ पर विशाल कोटार 100% रखना है टीम में आपको। उसके बाद यहाँ पर जी चिरंजीवी अक्षय जैन में आप दोनों में एक को ले सकते हो, तो यहाँ पर मैं अक्षय जैन पर यहाँ पर अपने टीम में पिक कर रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर जी चिरंजीवी को भी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर टी ए अभिष है। अगर इनकी बात करें 2 मैच नहीं खेले, 3 ओवर में कोई विकेट नहीं है दोस्तों यहाँ पर। रघु शर्मा 3 ओवर में कोई विकेट नहीं, 4 ओवर में 3 विकेट, उसके बाद 3 ओवर में कोई विकेट नहीं। उसके बाद तिवागर की बात करें 4 ओवर में 1 विकेट है दोस्तों, 4 ओवर में 1 विकेट 11 रन बनाए, 3.4 ओवर में 1 विकेट लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर गेंदबाजी की बात करें, मैं एक ही गेंदबाज को कन्फर्म करूँगा, तिवागर। अब दोस्तों यहाँ पर बेंच प्लेयर पे कौन नजर आएंगे, तो जय डगार है दोस्तों, सागर त्रिवेदी सबरी है दोस्तों। अगर इसमें एक भी प्लेयर खेलते हैं तो आपको मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, फाइनल टीम में सब प्लेयर्स कवर हो जाएंगे दोस्तों। तो जाना जाए तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन किया, बेंच प्लेयर भी आपको मैंने बता दिया दोस्तों। अब फाइनल टीम क्या एक बार देख लेते हैं, तो चलिए दोस्तों एक बार फाइनल टीम भी बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विकेट कीपिंग पे देखा जाए तो एस जविना, अविनाश यादव, सैमुअल और अरविंद राजन है। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि अविनाश यादव को यहाँ पर हम लोग कन्फर्म करेंगे। उसके बाद दोस्तों बैट्समैन पे गोविंद राजन अच्छे फॉर्म में है, मोहित मिटान है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद देखा जाए तो बहुत सारे प्लेयर, आदित्य रेड्डी सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर आप जीशान तो नहीं खेल रहे, यहाँ पर लास्ट मैच नहीं खेले दोस्तों, अगर खेलते हैं तो ले लीजिएगा। यहाँ पर एक और प्लेयर को हम लोग को लेना है, तो आदित्य रेड्डी बहुत सारे प्लेयर्स है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोस्तों प्रेम राज है, आप इनको कन्फर्म कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 2 प्लेयर बैट्समैन में, लेकिन 3 बैट्समैन को जरूर लेना चाहिए। उसके बाद जी चिरंजीवी को तो यहाँ पर मैंने नहीं लिया दोस्तों यहाँ पर, लेकिन एक अच्छा विशाल पुकार है दोस्तों, आप इनको ले सकते हो। उसके बाद देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपको अक्षय जैन भी एक अच्छे प्लेयर नजर आएंगे। अगर यहाँ पर संगान काल है तो यहाँ पर मैं जी चिरंजीवी को यहाँ पर ले रहा हूँ, वहाँ पर आपको मैंने स्टार्ट भी बताया दोस्तों यहाँ पर। अभी मैच्यू कार्तिक भी नहीं रहे दोस्तों यहाँ पर, आर शर्मा, उसके बाद अरविंद राजन है दोस्तों यहाँ पर, इनको ले लीजिएगा। अगर जी चिरंजीवी को लेने के लिए आपको पसंद नहीं तो दोस्तों यहाँ पर तिवागर को यहाँ पर कन्फर्म कीजिए, गेंदबाजी में अच्छे विकेट्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो मेरा टीम बन गया। अब कैप्टन पर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यहाँ पर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन सोच समझ के पिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो विशाल कोकार और यहाँ पर दोस्तों गोविंद राजन, नहीं तो आप एस अविनाश यादव और यहाँ पर गोविंद राजन को कैप्टन वाइस कैप्टन पे ले सकते हो। तो दोस्तों एक बार टीम को अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो विकेट कीपिंग पर दोस्तों अविनाश यादव है, बैट्समैन में दोस्तों गोविंद राजन, मितान और प्रेम राज है दोस्तों यहाँ पर, ऑलराउंडर्स में यहाँ पर अक्षय जैन, विशाल कोकर और यहाँ पर देखा जाए तो गेंदबाजी में आर शर्मा, कार्तिक विनय, अभिन मैच्यू, अरविंद राजन और तिवागर है। तो यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर विकेट कीपर को मैंने यहाँ पर वाइस कैप्टन बनाया और यहाँ पर कैप्टन पे दोस्तों यहाँ पर गोविंद राजन है। तो दोस्तों ये जो टीम है, पहले इस टीम को आप सेव करके रख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, लास्ट 5 मिनट पहले दोस्तों यहाँ पर आपको मैं टेलीग्राम पे फाइनल टीम दे दूंगा और सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त कर रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।